राम राम यूट्यूब, दिस इज गौरव भारद्वाज एंड आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। एंड आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बॉल हैंडलिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डंकिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चला फिर चलो भाई। ओके, सो जब भी मैं बात करता हूँ डंकिंग की तो लोगों को क्या लगता है कि आपको जंप की ज़रूरत है, बट इट्स नॉट अबाउट जंपिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट जंपिंग, टेक्निक भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी जंप इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जंप ज़्यादा है, अगर आपके हाथ में बॉल का कुछ फील ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ से डंक मारोगे, कहाँ से आप विंड में मारोगे, कहाँ से आप वर्टिकल ये बिटवीन द लेग्स मारोगे। तो आप उसके लिए आपको बॉल हैंडलिंग प्रैक्टिस भी करने की बहुत ज़रूरत है। सो मैं आपको थोड़ी बहुत ड्रिल्स बताऊँगा जो अब तक मैच करते आ रहा हूँ, विच हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू डंकिंग फॉर मी एटलीस्ट। सो चलो फिर सीधा भी उसके ऊपर ही स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तो थोड़ा बहुत वार्म अप, स्ट्रेचिंग ये सब भी करना बहुत ज़रूरी है, तो चलो फिर वो करते हैं, ठीक है। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'd be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it, push myself. स्ट्रेचिंग, डन विद जॉगिंग, डन विद वार्म अप। अभी थोड़ी बहुत बॉल की एक्सरसाइज का वार्म अप करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, जो लोग एक्चुअली में इंडिया में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम खरीदे हैं इसलिए शायद मुझे नॉलेज है। ये जो फॉरेन के, जो US के डंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका उनसे मैं मैंने वन ऑन वन चीज़ें पूछी हैं। जॉर्डन के गेनन से मेरी बात हुई है, एक्चुअल में बात हुई है। आइज़िया रिवेरा का मैंने प्रोग्राम ख़रीदा था। सो हाँ, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअल में इंडियंस को नहीं पता है, तो मैं आपको बताऊंगा। आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरी सीक्रेट विद यू, जो जो मुझे पता है, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो फॉर, लेट्स स्टार्ट विद बॉल हैंडलिंग। समझ से मैं परे हूँ, ना सोचो मेरे बारे। बदले में मिली लात, जिनको दिए सहारे। स्टार लाइफ में भाई बन के साथ थे मेरे, आज वक्त नहीं हक में तो छोड़ गए सारे। क्या हुआ जो किसी ने भी सुना मेरा गाना नहीं, क्या हुआ जो मुंबई में मेरा कोई ठिकाना नहीं। मुसीबत में अपनों ने फोन किए बंद, क्या हुआ जो दो दिन से खाया मैंने खाना नहीं। गरीबी में आंखों ने समंदर भर लिया, जो किताबें ना सिखाई मैंने वो पढ़ लिया। 14 अक्टूबर जन्मदिन के चलते कोई पार्टी ना मांग ले, फोन ऑफ कर लिया। आलम एक गम अब सीखा नहीं जाता, खुशियों के लिए और बिका नहीं जाता। खुश हूँ यारो जिस हाल में भी हूँ, तजुर्बा दर्द और लिखा नहीं जाता। आसान नहीं होता सब पाके सब गवाना, आसान नहीं होता खुद रोके सबको हंसाना। झूठ तो ओके, तो ये सबसे वार्म अप था, ठीक है। वार्म अप में आपकी हालत खराब हो जाएगी, और अगर आपको थोड़ा बहुत वैसी एक्सरसाइज करनी है जहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर डांस सीखना है, जैसे क्या बोलते हैं बिटवीन द लेग्स, उसका मोमेंट सीखने के लिए आपको लोअर रिम की ज़रूरत है, जिसमें आप खड़े खड़े डंक मार सको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दैट ऑप्शन, 90% इंडिया में लोगों के पास नहीं है। आप US में जाओगे ना, US में हर घर के बाहर एक हूप लगा रहता है, ऑलमोस्ट मैंने देखा है ये चीज़। मतलब मैं गया नहीं हूँ कभी, बट हाँ मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि ये जो बड़े बड़े डंकर्स होते हैं वो चैलेंज लेते हैं, कोई तो होता है वो, आई डोंट रिमेंबर द नेम एक्चुअली, अगर कुछ रहेगा तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो वो एक चैलेंज लेते हैं, वो हर घर के बाहर जाके रैंडम घर के बाहर जाके डंक मारते हैं। तो वहाँ पे मोस्टली बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें, वहाँ पे बहुत प्रोडक्शन चलता है इन सब चीज़ का, रिंग वगैरह का। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फ़िलहाल विंड मिल सीखूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा विंड मिल या बिटवीन द लेग्स, चलो बिटवीन द लेग्स मेरा फेवरेट है। तो मैं आपको बताऊँगा कि उसके लिए मैं क्या करूँगा अगर मेरे पास लो रिम नहीं है तो, ठीक है। चलो
की तरह है, आसानी होता टूट के खुश हूँ बताना। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में। नाकामयाबी का मुझसे रिश्ता पुराना है, पूरा वक्त माँ कसम मेरा ही दीवाना है। ऐ देने वाले जरा देख एक नजर मेरे पास। ओके, सो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिखाया है बिटवीन द लेग्स का। अगर ऐसे आप हर एक टाइप के डंक कर सकते हो, मैं आपको चाहिए तो नेक्स्ट में एक दो अलग अलग टाइप के करके भी दिखाता हूँ। जैसे विंड मिल हो गया, सेम है, आपको बस बाउंस करना और फिर तुरंत, मतलब यू हैव टू बी एज क्विक एज यू कैन। ऐसा नहीं करना कि आप अपने हिसाब से करो, क्योंकि डंकिंग में क्या होता है ना, यू हैव टू बी वेरी क्विक, हैंड मूवमेंट्स बहुत क्विक होने चाहिए, इसलिए भी दे पीपल वर्क अपॉन देयर बॉल हैंडलिंग्स। सो मेक श्योर आप अपनी बॉल हैंडलिंग को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप विदिन अ सेकेंड आप विंड मिल कर सको, पूरा 360 अपना हाथ रोटेट कर सको, बिटवीन द लेग्स अपना पैर उठा सको, क्योंकि डंकिंग इज ऑल अबाउट स्पीड गेम। ठीक है, अगर आपके अंदर स्पीड नहीं है तो आप कभी भी डंकर नहीं बन पाओगे। तो आपको एक तो फैट्स कट करना है अपनी बॉडी से, क्योंकि अगर आप फैट हो तो आप स्पीड नहीं लेके आ पाओगे। बहुत कम रेयर लोग हैं, जैसे कि जियोन विलियमसन, जायन, क्या नाम है, मुझे प्रोनाउंस भी करना नहीं आता यार, वो एक जो एक्चुअली में थोड़ा है बल्कि है वो, बट उसके फिर भी वो बहुत क्विक है। तो ऐसे बहुत रेयर बंदे हैं जो बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तब जाके उनका वो आता है। तो अगर आपको करना है वो सब चीज़ें तो आप वो भी कर सकते हो। सी पॉसिबल तो सब कुछ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट या अगर आप क्यों फालतू में ज़्यादा मेहनत करनी, हाँ एक्स्ट्रा मेहनत मत करो कभी भी, पॉसिबल सब कुछ है बट एक्स्ट्रा मेहनत करके ना डोंट वेस्ट योर टाइम। सो या दैट्स अबाउट इट। अभी मैं आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा करके दिखाता हूँ, जैसे विंड मिल हो गया, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, सह गया कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में। नाकामयाबी का मुझसे रिश्ता पुराना है, पूरा वक्त माँ कसम मेरा ही दीवाना है। ऐ देने वाले जरा देख एक नजर मेरे पास, नहीं पैसे इलाज माँ का कराना है। आंखों में आंसू लिया भीड़ में अकेला, सब देख रहे तमाशा जैसे लगा कोई मेला। तो मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आई हो। अभी इसके मैं ये सिर्फ हाफ ही बताई, मैंने आपको सारी एक्सरसाइज नहीं बताई है बॉल हैंडलिंग की। मैं धीरे धीरे करते आपको बताते रहूँगा कौन कौन, पहले इससे स्टार्ट करो एटलीस्ट। अगर ये स्टार्ट करोगे तो आगे जाके मैं आपको बताते रहूँगा, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे हम। ठीक है, मैं एक साथ सारी नॉलेज दे दूँगा ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे अपन, अभी हम करेंगे डंक सेशन। उसके लिए पहले प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे, जैसे स्प्रिंट, 5 स्प्रिंट करेंगे, देखते हैं कितना हो पाएगा। मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप है, आप देख सकते हो ये ग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है। सो या अभी हम करेंगे सीधा स्प्रिंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, मैं अकेला, सब देख रहे तमाशा जैसे लगा कोई मेला। शब्दों से बयां ना होगी दास्तां, जिंदगी कोई झेल ना पाए कसम से जो मैंने झेला। मेरी बात तुमको जो लगती है झूठ, तो झूठ की बातें रहने दो, छोड़ दो मुझे, मेरे हाल पे कुत्ते बमनने दो और मुझे सहने दो। रोता रहा चद्दर में देखे सर, सबके सामने हंसता रहा, जहर ही जहर था हर एक पल, दर्दों का सांप डसता रहा। देने को दिलासा मुझे आते थे सब, दिया सहारा मुझे किसी ने तब, पत्थर से मजहब ठोकर लगाते थे पिता जो मुझे बचाता, रब नसीहत देने वाले यहाँ आम। बड़ा कुछ सुने अपने बारे, सिद्धू ए सिद्धू, यू कैन से व्हाट यू वांट बट डोंट फॉरगेट ਦਿਲਵਾਨੀ ਮਾੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਾ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਾ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਭੀ 5 मेरे ख्याल से 5 हो गए, नहीं भी होंगे तो मेरी फटकी हाथ में आ गई है, मेरे से अभी और नहीं हो रहा, एंड विच इज़ फाइन। एग्जॉस्ट करके कोई मतलब नहीं अपने आप को, और ऑल्सो
सॉरी। अभी हम क्या करेंगे, अभी वी आर गोइंग टू गो फॉर डंक सेशन, जहाँ पे मैं वापस वही सेम वर्कआउट करूँगा, स्टार्टिंग विद टेनिस बॉल, देन विथ नंबर 3 एंड देन वॉलीबॉल। देखते अभी टेनिस बॉल तक तो मेरा जाता था, आज मेरा गोल है कम से कम 5 कंटिन्यूस मुझे उसमें डालने, जो नंबर 3 है ना उससे मुझे डालने कंटिन्यूस 5 बास्केट्स, 5 डंक्स। ठीक है, आई होप हो जाएगा आज। फिर उसके बाद वॉलीबॉल पे भी जाएंगे, वॉलीबॉल पे ट्राई करेंगे, 5 गए तो गए, नहीं तो नहीं गए, बट 5 नंबर 3 पे जाने ही जाने चाहिए आज। ठीक है, चलो विश मिला गाइस। नहीं हो रहा है, जेन्युइनली नहीं हो रहा, क्योंकि फटी पड़ी है, बहुत ज़्यादा धूप है। समटाइम्स यू कैन गिव अप, बिकॉज द थिंग इज अपने आपको एग्जॉस्ट करके, अपने आपकी बॉडी को एग्जॉस्ट करके कोई मतलब नहीं रहता है। एज आई से ऑलवेज, एग्जॉस्ट मत करो, आउट ऑफ द लिमिट मत जाओ कि आपकी बॉडी आपको एक घंटे के लिए, आप पूरे एक हफ्ता अपना वेस्ट करो। अभी इतनी धूप है, दोपहर के 12 बज रहे हैं और टेम्परेचर है कि 38 या 37 डिग्रीज है, बट ठीक है, इट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं, देखते कुछ और करेंगे। अभी चल देने, मैं थोड़ा एक रेस्ट ले लूँ, रुको। ओके, सो जो मैंने अब तक डिसाइड किया है मैं क्या करूँगा, अभी बॉल हैंडलिंग की जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज है वो भी आज मैं बता के रखूँगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत प्यारी एक्सरसाइज होने वाली है, आप ट्राई करके देखना एक बार, आप सच्ची में कर पाओगे, और बहुत इजी है, बट हाँ बहुत इफ़ेक्टिव भी है साथ के साथ। ठीक है, तो मैं आप अभी सीधा वही स्टार्ट करेंगे, वो खड़े खड़े होने का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈ ਡਾਉਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਹਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਹਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਅੱਜ ਕਈ ਵਿਚੋਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੁੱਟ ਕੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਖੜ ਗਿਆ ਪੜਾ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾ ਅਖਬਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੀ ਭੇਦ ਖੋਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਕਦਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟੀਵਿਆ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਹ ਝੂਠ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਉਰੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਜੋ ਲੋਕ ਲੁੱਟਦੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज के बारे में है कि अपनी हाथ की जो ग्रिप रहती है, जो आप अपने बॉल को अपने हाथ से पकड़ते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल कांट डू दिस बिकॉज उनके किसी के हाथ छोटे होते हैं, कोई कर नहीं पाता है, किसी को इंजरी हो रखी है, जैसे मुझे इंजरी हो रखी है, बट हाँ प्रैक्टिस अगर आप करोगे रेगुलर बेसिस पे, ये एक्सरसाइज की मैं आपको बताऊँगा कौन सी एक्सरसाइज है, आपको सिर्फ बॉल ड्रिबल करना है और फिर अपने हाथ में ट्राई करके होल्ड करके रखने की कोशिश करनी है 1 सेकेंड तक, और फिर वापस ड्रिबल करो कंटिन्यूस होल्ड 15 से 20 रिपीटेशन एक हाथ के, दोनों हाथ से करो। ठीक है,
और ये बहुत सेक्सी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है क्योंकि मेरा हाथ एक्चुअली में मेरे हाथ में ना स्टिचेस हैं, 19 स्टिचेस है कुछ, फिर भी आई कैन डू इट, इवन यू कैन डू इट। सो प्लीज़ सीधा ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, और अगर आपके हाथ में पाम हो रहा है बॉल तो बेस्ट है, यू विल बी द बेस्ट जंकर। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आपने लास्ट वाली वीडियो देखी रहेगी जिसमें मैंने गिव अवे का अनाउंसमेंट किया था, एंड दैट इज़ स्टिल अप। सो मेक श्योर आप उसमें पार्टिसिपेट करें, एंड इफ़ यू विन दैट, और मैं बताऊंगा भी है क्या वो एग्जैक्टली, सो उसके लिए आपको एक दो वीडियो का और वेट करना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ 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 पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे एज मच एज यू कैन, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मुझे तो लग एज अ गाय एज अ गर्ल दोनों को ही पसंद आएगा वो, ठीक है। So I hope you guys are going to I hope you guys have enjoyed this video, and if you like this video please show some love in the comment section, and also please subscribe to my channel, and also please 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 share this video to all the dunkers you know, okay? Ram Ram, bye bye, and you guys are amazing. 420 shore 420 gani cast kar karu lal guddi roll kar liu blunt jade phire buddi chore 420 shore 420 shore 420 shore